हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। अभी तक हम एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आज की हम सेशन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1:2 एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन के पास से एटम्स और ग्रुप्स हैं उनका एलिमिनेशन होगा। वाई और जो जेड ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, तो यहां से अगर वाई और जेड दोनों ग्रुप रिलीज करें सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्केन। सो एडजेसेंट कार्बन के पास से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का रिलीज होगा। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज सिन एलिमिनेशन एंड द अदर वन इज एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन में हम ई आई रिएक्शंस, एलिमिनेशन इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्कस करेंगे। एंटी एलिमिनेशन को हम फर्दर और डिवाइड करके आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम सिन एलिमिनेशन को स्टडी करेंगे। तो सिन एलिमिनेशन में हम क्या देखेंगे, ये जो एलिमिनेशन है इसको पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं। सिन एलिमिनेशन इज ऑल्सो नोन एज पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरो मीन्स हीट, मीन्स हम हीट करके इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। जो रेट लो है सिन एलिमिनेशन में, रेट लो दैट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इन टू सबस्ट्रेट। This is the rate law for syn elimination. Now syn elimination में हम four type of reactions को discuss करेंगे। First is Cope elimination, second is pyrolysis of esters, थर्ड वन इज पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स, एंड लास्ट वन इज पायरोलिसिस ऑफ सेलेनोऑक्साइड। Pyrolysis of selenoxide. So ये four type of reactions हैं, हम इनको अभी one by one discuss करते हैं। So the first reaction is Cope reaction. Cope elimination reaction. कोप एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है, उसको जब हीट करते हैं 100 डिग्री के ऊपर सो एलिमिनेशन होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल pH, CH, H, CH2, N, N के साथ में दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
यहां से जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है दैट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहां से एक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होगी, वो क्या होगी, पीएच सीएच। यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी था, सेकेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू होगी CH2, ये जो बॉन्ड था वो क्लीव होना शुरू होगा हाइड्रोजन के साथ, 2 मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव O नेगेटिव। यहाँ से जो प्रोटॉन था वो, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना शुरू करेगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होगी। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस नाइट्रोजन अटैच्ड विद 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप। सो दिस इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। The condition that is must for the Cope elimination is कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड NME2O, ये क्या होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए, दे मस्ट बी सेम साइड, क्योंकि इसके अंदर एक 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, और वो तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन और NME2O वो सेम साइड में लाई करें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच टू नाइट्रोजन एंड 1 O नेगेटिव इज अटैच टू नाइट्रोजन। नो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। जब हीटिंग करेंगे तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ से जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई थी वो क्या होगी, नाइट्रोजन और जो कार्बन है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू होगी, ये बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू होगा, यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू होगी। सो यहाँ पे भी एक साइक्लिक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन हुई है। नाउ नेक्स्ट, जो इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, दिस एल्कीन विल फॉर्म प्लस नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर CH3 CH2 एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद नाइट्रोजन एंड ओ नेगेटिव, ये कंपाउंड गिवन है और इसकी अगर हम हीटिंग करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ पे CH3 को हम CH2H भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, दिस ऑक्सीजन विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ से क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ऑप्टेन हुई प्लस नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप और 1 OH ग्रुप। सो कोप एलिमिनेशन में हमें एल्कीन की फॉर्मेशन मिलती है, इसमें 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑप्टेन होती है, और जो हाइड्रोजन है वो और नाइट्रोजन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, ये क्या होना चाहिए, सेम साइड में होने चाहिए, तभी सिन एलिमिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। जैसे कोप एलिमिनेशन में एल्कीन की फॉर्मेशन हुई थी, सेम वैसे ही पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स में भी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी।
जैसे ये एक कंपाउंड है आर CH2 ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। सो ये क्या है, एक एस्टर है। यहाँ पे अगर इसको हम हीट करते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, ऑक्सीजन है यहाँ से, ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, दैट विल अटैक ऑन द दिस हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन। जो ग्रुप एस्टर से कनेक्टेड है दैट इज अल्फा कार्बन एंड द अनदर वन इज बीटा कार्बन। तो यहाँ से ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है दैट विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ से भी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होंगी। सी एच, यहाँ पे सी एच कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी था, सेकेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो गई। यहाँ से जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड था वो वीक हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल बिकम वीक। यहाँ से एक बॉन्ड ऑलरेडी था, सेकेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी आर। ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड ऑलरेडी था और सेकेंड जो बॉन्ड था वो वीक हो जाएगा और दैट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। सो दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ना उसके बाद में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, यहां से फिर आगे जब हम रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट के बाद तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कीन आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस आर सी ओ ओ एच, एसिड रिलीज होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। जो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स है उसमें भी जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है, कि यहाँ पे भी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तभी ये सिन एलिमिनेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम इसी के अंदर एग्जाम्पल देखें, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दिस इज कनेक्टेड टू द एस्टर ग्रुप एंड दिस इज द हाइड्रोजन। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। जो एस्टर है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, दैट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कीन एंड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH2 फोर टाइम्स, देन O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इसकी अगर हम हीटिंग करें तो अभी तक जो भी हमने रिएक्शंस ली थी उसमें सिर्फ एक ही एस्टर ग्रुप अटैच था। सो अगर एक एस्टर ग्रुप अटैच है मीन्स वन डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा एस्टर ग्रुप अटैच्ड हैं तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड्स और भी आ सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को कैसे कैरी आउट किया, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ O, CH2, CH, जो सेकेंड, ये जो चार CH2 हैं इनको हमने एक्सपेंड करके लिखा है। तो फर्स्ट CH2 को नॉर्मली मेंशन किया, सेकेंड को CH और H की फॉर्म में मेंशन किया है, देन CH2
देन सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। और इसकी हमने यहाँ से क्या की है, हीटिंग की। सो फर्स्ट इज जब ये एस्टर ग्रुप है इसका ये अल्फा पोर्शन हो गया एंड दिस इज द बीटा कार्बन। सिमिलरली जो ये एस्टर पोर्शन है इसका ये अल्फा कार्बन हो गया एंड दिस इज द बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन को भी अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, बीटा कार्बन के ऊपर भी अगर हाइड्रोजन्स हैं उनको क्लियरली मेंशन करें, तो यहाँ से इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि दिस हाइड्रोजन इज दिस। नाउ यहाँ से दिस विल अटैक ऑन दिस प्रोटोन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सिमिलरली दिस बॉन्ड विल अटैक ऑन दिस प्रोटोन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ पे क्या बना, ये जो फोर कार्बन्स हैं इनमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। सो अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड गिवन है जिसमें टू एस्टर ग्रुप्स अटैच्ड हो और हीटिंग गिवन हो, सो वहां पे हम क्या चेक करेंगे, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है वो मोर देन वन पॉइंट अगर हो सकती है पॉसिबिलिटी तो हम उसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज साइक्लोहेक्सेन रिंग सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। इस मॉलिक्यूल की जब हीटिंग करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, सो दिस इज द एस्टर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस एस्टर ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस एस्टर ग्रुप दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन। नाउ दिस बॉन्ड विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सिमिलरली दिस बॉन्ड विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू एक्सोसाइक्लिक डबल एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन वन कार्बन इज कनेक्टेड टू वन हाइड्रोजन वन ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम एटम इज बिलो द प्लेन एंड वन सी सिक्स एच फाइव ग्रुप अबव द प्लेन एंड दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू वन हाइड्रोजन अबव द प्लेन वन सी सिक्स एच फाइव ग्रुप बिलो द प्लेन एंड एस्टर ग्रुप ऑन द प्लेन। इफ दिस कंपाउंड इज हीटेड देन वॉट विल बी द प्रोडक्ट, सो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, जो एस्टर ग्रुप है वो और हाइड्रोजन, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन, सो बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से किसी एक का रिलीज होगा। और वो हम कैसे चेक करेंगे, जो एस्टर ग्रुप है दिस इज द एस्टर ग्रुप, दिस ग्रुप एंड हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से वो एटम जो सेम प्लेन में होगा, सेम साइड होगा, सेम साइड होगा, दैट विल बी रिलीज्ड। सो सेम साइड कौन सा एटम है इनमें से, हाइड्रोजन एटम है, सो दिस विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्केन। यहाँ पे सी सिक्स एच फाइव ग्रुप ट्रांसपोजिशन के ऊपर है, सो जो एल्केन ऑब्टेन होगी उसमें भी सी सिक्स एच फाइव ग्रुप क्या होंगे, ट्रांसपोजिशन पे होंगे, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम होगा एंड हियर इज वन हाइड्रोजन एटम एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड विल रिलीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, टू साइक्लोहेक्सेन रिंग्स हैं, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड
हेयर इज वन डबल बोन्ड वन मिथाइल ग्रुप, डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री हाइड्रोजन सी एच थ्री, हेयर इज वन सी एच टू ग्रुप ओ सी डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री। सो अगर ये मॉलिक्यूल गिवन है और इसकी अगर हम हीटिंग करेंगे सो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, इसके लिए दिस इज द एस्टर ग्रुप और विद रिस्पेक्ट टू द एस्टर ग्रुप दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होगा बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करेंगे सो यहाँ पे क्या होगा दिस बॉन्ड विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज होगा, हियर इज सी एच थ्री एंड यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड विल रिलीज। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल गिवन है, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल गिवन है, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे एस्टर ग्रुप अगर होगा तो सिर्फ अल्फा और बीटा कार्बन को हम चेक करेंगे और वहां से बीटा एलिमिनेशन करा के और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे।